गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x - 2 = 0, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इजीली हम इसके लिए दो मेथड यूज करेंगे। पहला देखते हैं, जैसा कि आप सीखते आए हो क्लास 8 और 9 में, इसको सॉल्व करना x² - x - 2। इस टाइप के हमने पॉलीनोमियल्स पढ़े हैं, उसका सॉल्यूशन पढ़ा है, इस बार से थोड़ा सा बढ़ गया = 0। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, जैसा कि 8 और 9 में आपने इसका फैक्टर निकाला था फैक्टराइजेशन चैप्टर में, पूरा सेम वैसा ही करना है। चलिए देखते हैं इसको, 2 बन जा 2, हम c और a का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमारा इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। हमेशा क्या करूंगा, c का a में ही मल्टीप्लाई करना है, c की जगह नंबर -2 है और a की जगह तो कुछ फैक्टर ही नहीं है, कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो जहां पर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होगा वहां हमेशा 1 लेंगे, क्योंकि आपने सीख लिया है 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी इंटीजर। 2 बन जा, लाना कितना है हमें, 1 ही लाना है, तो या तो इसे हम ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में 1 ऐड करेंगे आएगा 3, मैच नहीं हो रहा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1, यहां भी कोएफिशिएंट 1 लाना है, ये हमारी चॉइस हो जाएगी। तो x² - 2x + x, यहां पर मैं और कर देता हूं इसको, माइनस का सिंबल है, हमने कॉम्बिनेशन 2 और 1 का बनाया था, यहीं पर लिख लेते हैं 2, अब ऐड किया था कि माइनस, 1 लाने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहां पे माइनस करेंगे x - 2 = 0। अगर हम 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1, यानी दोनों की वैल्यू क्या हुई सेम। अब ये हो जाएगा x² - मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, बाहर माइनस तो अंदर के सिंबल चेंज होंगे, 2x + x - 2 = 0। जैसा कि पहले बताया गया था दोनों का हम क्या बनाएंगे, पेयर, दोनों में से कॉमन लेते हैं x - 2 + जब सेम डिजिट मैच हो जाए तो वहां पे कॉमन हमेशा बन होता है x - 2 = 0। यहां पर x - 2 दोनों में कॉमन है, बचेगा x + 1 = 0। अब यहां लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे x - 2 = 0, देयरफॉर x की वैल्यू 2। अपने आंसर को हमेशा हाईलाइट करना है, छोटे से बॉक्स बना लेंगे तो अलग से दिखता रहेगा, या तो आप डार्क पेन का यूज करेंगे। अगेन वी लेट x + 1 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, देयरफॉर 2 and -1 are 0s, या तो इसको लिख सकते हैं हम रूट्स ऑफ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखते हैं किसमें मैच करता है, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1, 2 - 1, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका नंबर फर्स्ट का सी।